हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। बट हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं। वी हैव स्टडीड ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट वी हैव डिफाइंड इन द लास्ट क्लास। एंड ई रेस टू माइनस आई थीटा लिखा तो इट बिकम कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ से हमने दो प्रोसेस किया था, एक बार एडिशन किया था और एक बार सब्ट्रैक्शन, और एक बार ऐड किया तो वी हैव गॉट कॉस थीटा विच इज ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय टू। एंड सब्ट्रैक्ट किया तो एक और टर्म मिला साइन थीटा विच इज ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाई टू आई। ये दो फंक्शन हमने बनाए, दिस इज कॉल्ड सर्क्यूलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज इट हैज सम रिलेशन विथ सर्कल, इसके लिए इसको बोलते हैं सर्क्यूलर फंक्शन। तो जैसे सर्क्यूलर फंक्शन है, सर्कल है, वैसे ही एक और शेप जो हम जानते हैं उसका नाम है हाइपरबोला, और इसके लिए टर्म डिफाइन किया है हाइपरबोलिक फंक्शन विच हैज सम रिलेशन विद हाइपरबोला। अब बेसिक आइडिया समझ लो, हाइपरबोलिक फंक्शन और ये सर्कुलर फंक्शन में एक टेक्निक है याद रखने के लिए। सर्क्यूलर फंक्शन में जिधर भी आई लिखा है ना वो हटा दो, जिधर भी आई लिखा है वो सब हटा दो, तो यू विल गेट हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अगर मुझे कॉस हाइपरबोलिक लिखना है तो ऐसा लिखे कॉस, फिर लिखना है एच, एच स्टैंड फॉर हाइपरबोलिक एंड थीटा। रीड करते हैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रीड करते कॉश, नहीं रॉन्ग है, इट इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा। और इसको डिफाइन करना है तो जो अपना सर्क्यूलर फंक्शन है इसमें से आई हटा देंगे तो इट बिकम ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा डिवाइड बाय टू। और साइन हाइपरबोलिक थीटा अगर लिखना है तो साइन हाइपरबोलिक थीटा इज ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा डिवाइड बाय टू। तो देखो साइन में से भी सब जगह से आई हटा दिया, हाइपरबोलिक डिफाइन हो गया। ये दो टर्म है, अगर इन दोनों को डिफाइन इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो विल गेट टेन हाइपरबोलिक थीटा विच इज साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा। साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा अगर किया तो इट बिकम ई रेस टू थीटा माइनस e रेस टू माइनस थीटा अपॉन e रेस टू थीटा प्लस e रेस टू माइनस थीटा डिवाइड बाई टू, कैंसिल हो जाएगा दोनों बाजू से। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते टेन हाइपरबोलिक थीटा को, सो टेन हाइपरबोलिक थीटा इज e रेस टू थीटा माइनस वन अपॉन e रेस टू थीटा अपॉन e रेस टू थीटा प्लस वन अपॉन e रेस टू थीटा। e रेस टू माइनस थीटा को लिखा वन अपॉन e रेस टू थीटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई विल गेट ई रेस टू टू थीटा माइनस वन अपॉन ई रेस टू टू थीटा प्लस वन। सो ये टेन हाइपरबोलिक थीटा के लिए हम लोग दो फॉर्मूला याद रखेंगे, ई रेस टू टू थीटा माइनस वन अपॉन ई रेस टू टू थीटा प्लस वन। और इसको कैसे याद रखना है, तो जो भी एंगल होगा उसका डबल एंगल यहाँ पे लिखना है आपको पावर में। और दूसरा डेफिनेशन है जिसमें टेन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूला है तो इसमें भी क्या ऐसे ही फॉर्मूला है, एंड वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन सर्क्यूलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।